अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी, ठीक है, नहा शहा के उधर हम पढ़ेंगे जाकर। तहज्जुद की अज़ान होने वाली है 4:20 पर, तो वो पढ़ेंगे, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम 7 बजे जाएँगे, हमारी गाड़ी आएगी बस, उस पर हम जाएँगे ज़्यारतों पर। बदर जंगे बदर हुई थी जहाँ पर, वहाँ पर हम जाएंगे, बदर का मुकाम देखेंगे, और भी ज़्यारतें हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी करेंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, आपको आज की ज़्यारतें कराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या उनको पेश आया और क्यों गए, ये सारा इस व्लॉग में मैं गाइड करूँगा आपको। तो ये मदीना पाक का व्यू चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा मौसम हुआ हुआ है, ठीक है, ये देखिए आप। तो मैं अभी जा रहा हूँ, ये अभी गली से साथ ही निकलते हैं, आपको गुमतद की खिजरा भी नज़र दिखाता हूँ, और फजर का नमाज का टाइम भी हो रहा है। बेड शर्ट क्यों पहनी यार, मदीना में रात को बड़ी ठंड हो जाती है, ठीक है, तो मुझे सर्दी लगती है, मैं इसलिए आज बेड शर्ट, मैं कहा चलो पहन के जाते हैं। बाकी तो जैकेट वगैरह तो मैं लेके नहीं आया था, पता नहीं था क्या सिस्टम। अच्छा ये यार जो मदीना आता है ना, उसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इधर कार्ड बनता है इसका, क्रीम का साइकिल ले सकता है, जो आप पूरे मदीना में घूम सकते हैं, स्कूल से जहाँ मर्जी जाओ आप, ठीक है। पर आर के हिसाब होता है, मिनट के हिसाब से होता है, कार्ड आपको दे देंगे, वो आपने चार्ज करना है जितने भी घंटे में होगा, तो वो ये चार्जिंग वाली है, तो चार्जिंग करके आप तो बस लेके जाओ जिधर मर्जी। अब हम आ चुके हैं माशाल्लाह, ये सामने देख सकते हैं गुंबद की ज़रा नज़र आ रहा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। गुंबते खिजरा की ठंडी छाओ को सलाम, जो मदीने की गली जो मोदे ते हैं। ये मुझे नात याद आ गई थी, थोड़ा सा सलाम जूर को पेश किया, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला अलैका व सहाबिका या रसूलल्लाह। ठंडी छाँव तो सुनी थी, इधर आके वाकई ठंड है यार, गर्मी का मौसम है, अलग है, मक्का पाक में बहुत गर्मी थी तो, पर इधर मदीना में रात फजर टाइम इतना सुकून होता है ना। अभी तो तहज्जुद का टाइम है, अभी 2 घंटे पड़े हैं फजर में, इसलिए देख रहे हैं आप लोग भी कभी कम जा रहे हैं। ये तो जब आप फजर का टाइम हो तो तब देखना, ये हरम पूरा फुल हो जाता है अंदर से। फजर की नमाज़ नमूज़ पढ़ ली है माशाल्लाह, तो ये आप सुबह का व्यू चेक कर सकते हैं कैसा है।
तो अभी हमारी बस शस नहीं आई, जब आएगी तो फिर हम ज्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मरेला वगैरह ओपन हो गई है आप देख सकते हैं। ये बस शस आ गई हमारी, ये वाली बस, इस पर हम ज्यारत करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। भाई जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो आ गई है, कुएं शफा, ठीक है, शफा वाला कुआं। तो ये हम जा रहे हैं, ये देखो लोग ऊपर किस तरह खड़े हैं, ये लोग इधर से पानी भर के लेके जाते हैं पीने के लिए। ये देखें जी कुएं शवाब तो उन्होंने बना दिया हुआ है। इसका सीन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे थे बदर के मकाम पर जाने के लिए, ठीक है, तो इसका पानी बहुत मतलब के इसको आप कह लो खारा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लब मुबारक फेंका तो ये मीठा हो गया, फिर सारे साहबा ने पिया। तो अब लोग इसको कुएं का नाम है आबे शफा कुआं, ठीक है, तो लोग इसमें से पानी भरते हैं। तो आपको हम ज़ियारत करवाते हैं इस कुएं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो हमने आबे शफा से जो कुआ है उससे मुंह शुरू धो लिया है, तो ये दुआ ही है अल्लाह ताला, हमने ये दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब के सदके हमने पानी भी पी लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब के सदके हमें कोई बीमारी ना दे सारों को। ये सऊदी अरब में भी हमें शुगर कैन नज़र आई है, तो मैंने कहा चलो अब पीते हैं। ये बढ़ा है, ये देखो इधर की ये मशीन है, पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या मशीन है, मेरे बॉक्स में लगा के बात की है नहीं। वो लेमन थोड़ा सा डाल दो। ये भाई जान आ गई है वो हमारे पास शुगर कैन, बड़ा टेस्ट है यार इसका। नफल पढ़ ली है, तो ये आप देख सकते हैं इधर हमने दो नफल पढ़े, तो ये इसकी स्टोरी आपको मैं बाहर जा के सुनाता हूँ इधर क्या हुआ था। ये है जी बदर के मकाम पर बनी हुई है, बदर के मकाम पर बनी हुई है मस्जिद, मस्जिद उरेश, तो जहाँ पे जंग लगी थी, ठीक है, बदर की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर दुआ मांगी थी, क्योंकि हमारे पास 313 सहाबा थे, ठीक है ना, तो जंग जीतना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि ताकि इस्लाम का बोलबाला रहे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए इस जगह पर भेजे और अल्लाह ताला ने इस्लाम की मदद फरमाई। तो इस तरह ही अल्लाह ताला जो देख रहे हैं लोग उनकी इस जिस तरह बदर में इस्लाम की अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, इस तरह हम सब लोगों की अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, हर मुश्किलात को आसान फरमाए, जो बीमार उनको सेहत आ फरमाए आमीन। तो ये मस्जिद थी बदर की, ठीक है, तो ये मैं मस्जिद आपको दिखाता हूँ। ये सारा मैदान जंग का हिस्सा है, यहाँ पर इन्होंने सिमर वगैरह डाला हुआ है। तो ये है मस्जिद, मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, ये बाहर से है मस्जिद बदर की। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग लगी तो उन्होंने मस्जिद बना दी, तो हमने इधर तो नफल अदा की है। तो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाकर तो आपको दिखाते हैं, तो ये देख सकते हैं ना इसका आप मस्जिद उरेश नाम है इसका। चले अल्लाह हाफिज़। ये जी बदर के शोदा सहाबा का कब्रिस्तान आ गए, यहाँ पर सहाबा की सारी कब्रें जो बदर में हैं जिनकी डेथ हुई थी, जो डेथ तो नहीं कह सकते सॉरी, जो शहीद
शहीद हुए हैं उन सारों की ये कब्रें हैं। ये छोटी छोटी जो इंटें पड़ी हुई हैं ये सारी उनकी तो ये इनके नाम शाम भी तो लिखे होंगे। ठीक है तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो सहाबा की जिनकी डेथ हुई है ना तो उनके नाम इधर लिखे। ने जो दुआ की थी मैदान बदर में कि अल्लाह ताला सहाबा कराम तो बहुत कम है जंग के लिए अपनी मदद फरमा, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस पहाड़ पर अपने फरिश्ते को उतारा था, इसलिए इसका नाम रखा गया है जबले मलाइका, क्योंकि मलाइका कहते हैं फरिश्ते को, तो इन्होंने भी जबले मलाइका रखा गया। तो ये देखो साइड वाले सारे पहाड़ जो है ना वो पत्थर के हैं। ठीक है ये बहुत एक ही पहाड़ है जो सारा रेता का हो गया, क्योंकि इस पर मलाइका उतरे फरिश्ते उतरे इसके ऊपर तो ये सारा रेता हो गया। ठीक तो ये आप देख सकते हैं ये भी हमारा ये डेजिग्नेशन, ये सारे एरिया है ना जो ये सारा जो एरिया ये बदर का एरिया है, ये सारा एरिया जो है ये सारा बदर का एरिया है। आपको बैरे छुपा का कुआं दिखाते हैं जिन्होंने बंद किया हुआ है, तो ये है जी बैरे कुआं का कुआं, यहाँ से लोग पानी भर रहे हैं। ये हमारी बदर की लास्ट डेस्टिनेशन है बहरे शफा, इधर से पानी भरेंगे सब लोग। ठीक है तो ये आप चेक कर सकते हैं बहरे शफा का व्यू, यहाँ पर 70,000 अंबिया कराम ने पानी पिया हुआ है। ठीक है ना तो ये माम मेहंदी तक, इधर से माम मेहंदी ने भी इधर से आगे पानी पीना है। ठीक है तो ये है बहरे शफा, तो इधर पर लोग को हम एंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।